फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम बच्चों का टीवी और मोबाइल टाइम कैसे कम करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं किसी और के बच्चे का एग्जांपल नहीं लूँगी, मैं मेरी ही डॉटर का एग्जांपल लूँगी। वो अभी 1.5 साल की है एंड शी इज़ बैडली एडिक्टेड टू यूट्यूब। उसमें वो राइम सीखती है, वहाँ पे एनिमेशंस आते हैं, कलरफुल पिक्चर्स आते हैं, तो उसे इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुकी है उन चीज़ों से कि उसे यूट्यूब के अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले से ही उसका यूट्यूब बहुत ज़्यादा चालू हो गया है और वो बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखने लगी है। किसी से बात नहीं करती, सोशल एक्टिविटी में कुछ पार्टिसिपेट नहीं करती, किसी के साथ खेलती नहीं है, किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होती है, सिर्फ यूट्यूब देखती है। इनिशियल कुछ डेज में मैंने भी इग्नोर किया, बट अभी मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि नहीं, गलत हो रहा है। तो अभी मैंने रिसेंटली उसका शेड्यूल चेंज किया है और उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है उसके यूट्यूब टाइमिंग में। वो काफ़ी कम हो चुका है, अब वो यूट्यूब बहुत कम देखती है, क्योंकि वो जिस समय यूट्यूब देखती थी वो समय ही मैंने चेंज कर दिया है उसका। उस समय पे हम उसे उसकी कुछ और एक्टिविटीज़ कराते हैं जिससे कि उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो पहले क्या होता था, मैं जब ऑफिस से घर आती थी तो वो मेरा फ़ोन लेती थी और यूट्यूब देखने बैठ जाती थी और लगातार 1 से 2 घंटा वो यूट्यूब ही देखती रहती थी। तो मैंने क्या किया, पहले मैं जब आती हूँ ऑफिस से, मैं फ्रेश होती हूँ, कुछ टाइम लेती हूँ अपना, तब तक मैं उसे यूट्यूब देखने लेती हूँ। उसके बाद मैं उसे नीचे लेकर के जाती हूँ, साइकिल लेके जाती हूँ उसके साथ, उसके साथ कुछ टॉयस लेके जाती हूँ जैसे कि बैट बॉल, और उसे नीचे लेके जाती हूँ। वहाँ पे उसके और भी फ्रेंड्स होते हैं, वो खेल रहे होते हैं, वहाँ पे गार्डन है, वहाँ पे स्विंग्स हैं, स्लाइड्स हैं, तो वहाँ पे उसका मन इस तरीके से डाइवर्ट हो जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसे 7:30 से 8 बजे तक नीचे रखूँ। मोस्टली हम 7:30 से 8 बजे के बीच में घर आ जाते हैं सब खेल के। उसके बाद घर लाने के बाद मैं उसे उसके मुँह हाथ धुलाती हूँ, उसे फ्रेश कराती हूँ, उसे खाना खिलाती हूँ, ऐसे सब करते करते 9:30 हो जाता है। तो ये सब चीज़ें करने का तरीका कुछ डिफरेंट नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है, आप सब भी ऐसे कर सकते हैं। और इससे मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो वो 3-4 घंटे यूट्यूब देखा करती थी उससे उसका टाइम एकदम रिड्यूस हो गया। अभी वो 8:30 से 9 बजे तक फ्री होती है और फिर जब उसके सोने का टाइम होता है तो हम उसे बेडरूम में लेकर के जाते हैं और उनके साथ थोड़े लाइव गेम्स खेलते हैं, उसे बेड टाइम स्टोरी सुनाती हूँ या उसे जो राइम्स पसंद होती हूँ वो राइम्स मैं खुद उसे गाकर सुनाती हूँ। तो इस तरीके से मैं उसे इन्वॉल्व रखती हूँ। और सोने से आधा 15-20 मिनट पहले अगर उसे मोबाइल देखा तो वो डेफिनेटली मोबाइल मांगती है, मैं उसे थोड़े समय के लिए देती भी हूँ बट वो तुरंत सो जाती है। तो जो समय था 3 आवर्स का वो एकदम कम होके 15 से 30 मिनट पे हो गया। तो अभी एकदम से तो वो छोड़ नहीं देगी देखना, लेकिन इतना बड़ा समय इतना कम करना भी बहुत बड़ी बात होती है। तो मुझे ये एक अचीवमेंट लगती है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ट्राई करें। मेरी बच्ची बहुत छोटी है, वो 1.5 साल की है, इसलिए मैं उसे अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर सकती, बट अगर आपके बच्चे 2 साल से बड़े हैं तो आप उन्हें अदर एक्टिविटीज़ में डाल सकते हैं। जैसे अभी स्केटिंग क्लासेस है, क्रिकेट है, कराटे क्लासेस है, आजकल सोसाइटीज़ में भी ये सब चीज़ें एक्टिविटीज़ अवेलेबल रहती हैं, तो आप अपने बच्चों को उसमें डाल सकते हैं। तो उससे 2-3 चीज़ें होंगी, एक तो बच्चे सोशल होंगे, उनका ध्यान बटेगा, वो लोगों से फ्रेंडली होंगे। दूसरी बात ये कि आपको भी पता चलेगा कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस में ज़्यादा है, मे बी आप फाइंड आउट कर पाएँ और उसे उस फील्ड में प्रमोट कर पाएँ। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।